ये हर्ष ने ऑर्डर किया है। हर्ष, अरे अकेले में कभी मत करना, तू फंस जाएगा, बच्चा बाहर रह जाएगा। हर्ष, अभी वो मैं बैंगन का भरता तवे पे बना रही हूँ। इडली की वीडियो देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आज बड़ी अच्छी मेरी सुबह, आज मैं जल्दी उठी हूँ। हर्ष भी, गोला भी, हर्ष तो अभी अंदर है। हमने ना अभी जल्दी सोने की आदत डाल रही है, क्योंकि 10:30 बजे तो हम एकदम बेड पे होते हैं और 11 बजे तक तो बेहोश। 12 बजे हमें खुद नहीं पता होता कि हम कौन से आइलैंड में हैं, ऐसे वाले हाल होते। तो जो हमारे फ्रेंड्स हमें 11, 11:30, 11:15 मैसेज करते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें फ़ोन मत करो यार, मैसेज मत करो। अगर 10 बज गए तो मैसेज मत करो, अगले दिन करो, हम सो जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि ऐसे होता है, जब फ्री हो, काम ना हो, तो अच्छे से अपनी नींद पूरी अपने तरफ ध्यान दो, बड़ा मज़ा आता है जल्दी सो के। और जल्दी मतलब मैं 11 बजे तक तो सो जाती हूँ और मैं उठती हूँ अपना कुछ 8 बजे। ज़्यादा लंबी नींद हो गई ना, है? चलो कोई नहीं, 8 बजे भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मैं 11 बजे उठती थी। तो गोला फुल मस्ती कर रहा है बाहर, आइए आपको दिखाती हूँ। सो गोला देखो, सुबह सुबह अपने फुल टॉयज़ के साथ मस्ती कर रहा है, फुल फुल फुल। गोले, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज संडे है और गोले के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोले को आज दो दो टॉयज़ मिले हैं, जो गोले को क्रिसमस पे गिफ्ट मिले थे, आज हमने खोले हैं। और एक हर्ष ने ऑर्डर किया है। मैं गोले को संडे के संडे नया खिलौना खोल के देती हूँ, और ये दो खोले हमने, और ये हर्ष ने ऑर्डर किया है किसके लिए, गोले के लिए। और आज संडे का दिन फुल मनाया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, बाप ने ऑर्डर किया। हर्ष, अरे अकेले में कभी मत करना, तू फंस जाएगा, बच्चा बाहर रह जाएगा। हर्ष, गोले पापा कहाँ है? आया आया। देखो इन्हें, ये ओस की बूंदे। जो बचपन में पापा ना कर पाए, वो आज खुद कर रहे, बच्चे को नहीं करवा रहे। पापा सुंडी बने हुए हैं। ये जो टनल बनाई है, मंगवाई गई है, ये 2 दिन में फटेगी, ये हमारा आपसे वादा है। अगर आप ये ऑर्डर कर रहे हैं तो मजबूत वाली कीजिए। फ्रेंड्स, ये 12:30 शुरू हुआ था, ये जो सर्कस है हमारे घर में, और अब बज रहे हैं 1:15 होने में 5 मिनट, लेकिन अभी भी ये सब चल रहा है। मुझे लगता है ये बाप बेटे के कारण सब काम छोड़ के चले जाएंगे, कि सारा दिन फ्री नहीं हो पाते। हर्ष, क्या है? हर्ष निकल ना बाहर, उसको नहाना भी है गोले को। गली गली, सो आज संडे है, जैसे हर्ष ने आज बहुत गंद डाला घर में, गोले को टनल ला के, और दोनों बाप बेटा अंदर घुस गए थे, कितनी देर तक हमारे घर का काम नहीं हुआ। सोचा था आज संडे है, जल्दी काम खत्म हो जाएगा, मस्त कुछ नेटफ्लिक्स में कोई फिल्म या वेब सीरीज देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब एक मेरे दिमाग में और चीज़ डाल दी है हर्ष ने, एक बड़ा तवा मंगवाया है, बोला है कि बैंगन का भरता उस पर बनाना है, जो जो मैं चीज़ें बोलूँगा उस पर बननी चाहिए। तो अभी वो मैं बैंगन का भरता तवे पे बना रही हूँ, एकदम पंजाबी स्टाइल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। काफी टाइम लगेगा, जब बन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज हर्ष घर पे है। अब एक और फरमाइश आई है हर्ष की, मैं अभी वैसे पता नहीं क्या करने गई थी अंदर, ऐसे ही चली गई मैं, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खराब है। लहसुनी दाल खानी है, वो मूंग मसूर की एकदम सादी दाल, सिर्फ लहसुन का तड़का लगा के। तो अब हम वो कर रहे हैं। थैंक गॉड हर्ष को कुछ याद नहीं आया, वरना वो बोलता कि दाल मिट्टी के बर्तन में बननी चाहिए, जो हमने ये मंगवाए हुए हैं। थैंक गॉड उसको याद नहीं आया, उसने सिर्फ लहसुन की दाल बोल दिया। तो हमने कुकर में फटाफट उसको पहले 1 चम्मच देसी घी डाला, और लहसुन को पीस के, अजवाइन जीरा जो भी है हमने पीस के उसके साथ डाला है, और हरी मिर्ची डाली है 1, थोड़ा सा अदरक डाला पीस के। अभी
रख दिया बनने के लिए। अब मेरा बैंगन का भरता एकदम रेडी हो गया है। मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। हर्ष को भी बहुत अच्छा लगता है। और अब ये ऊपर से हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कच्चा अदरक। अब देखते हैं सर खा के तारीफ करते हैं। हर्ष का ना पता नहीं शायद बदतमीज है या सच्चा है, खा के एक ही निवाला मुँह में डालता है बेकार बना, एक निवाला मुँह में डालता है बहुत बढ़िया, मतलब तुरंत ही मुँह पे वो इंसल्ट कर देता है और अप्रिशिएट भी कर देता, चाहे मैं हूँ चाहे मम्मी चाहे कोई और भी। हालत ख़राब है, मैंने खाना बना दिया है। हर्ष खाना बना दिया भाई तेरे तवे में, तेरा एक बार खाना बना के ब्लॉग बना के लोगों को बता रही हो, शर्म आ रही है? साल में एक बार नहीं, लोग अक्सर मुझे किचन में देखते हैं। और तुम्हारा तो तवे खाने के लिए, तवे तो पे बैंगन का भरता बना दिया और लहसुन वाली दाल। अभी डालू रोटी? अभी नहीं, मैंने कुछ मंगाया। कहा अरे यार थोड़े से मंगाया, भारती क्या कर रही है? ठाकुर तो रस्ते लग गई। ये क्या है ऐसा, मेरे से गर्मी में इतना बनवा के अब क्या मंगवाया बाजार से तूने? अरे मेरे को भूख लगी थी यार। सो दोस्तों, हर्ष ने खाना खा लिया बहुत ही अच्छे से, कुछ नहीं बोला उसने जैसे मैंने पहले बोल दिया। और अब मैं थोड़ा उदास हूँ क्योंकि मुंजी यानी हमारा मुन्ना उड़ीसा जा रहा है, कहीं शादीशुदी है 4-5 दिन के लिए। ये मैं व्लॉग में बोल के सुना रही हूँ कि अगर ये 4-5 दिन से लेट करेगा तो देखना फिर। चल मुन्ना अच्छे से जाई। कौन सी फ्लाइट है बेटा? बिस्तारा नहीं बेटा, विस्तारा। ठीक है चलो आशीर्वाद लो फटाफट। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से जाना। और अकेले आना, कोई लड़की वड़की मत ले आना। शादी, ये तू शादी करने तो नहीं जा रहा? नहीं झूठ बोल रहा है। सच्ची बता? नहीं, हमारे पंजाबी में बोलते चुन्नी चढ़ा के ले जाना, मतलब फटाफट। ऐसा तो नहीं कोई 5 दिन में तू कहे? बता दे भाई, मेरा शूट है, तेल तूल लेके मैं उधर खड़ी रहूंगी। पक्का? चल ठीक है, बाय मुन्ना। हमारे लिए कुछ खाने को लेके आना उड़िया का। मुन्ना जा रहा है। मुन्ना बहुत 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 अच्छा है। वो हमारे ऑफिस में काम करता है बट वो रहता वहाँ पे, लेकिन हमारी फैमिली मेंबर की तरह 24 आवर्स हमेशा एक टांग पे खड़ा रहता है। कभी भी फ़ोन कर दो आ जाता, कोई भी काम हो कुछ भी हो। हर्ष और बोला इटली की वीडियो देख रहे हैं। ऐसा ही इटली में हम लोग गए थे हनीमून पे, बट ये वाला इटली तो नहीं देखा मैंने। पता नहीं कौन से इटली ले गया हर्ष। गोला कैसे बातें कर रहा है। सो पापा ने घर भरने के लिए एक और चीज ला दी है और बच्चे को हैरान कर दिया है। अरे यार नहीं हुआ, ये देख। क्या हुआ गोली, क्या हुआ? सो फाइनली आज मैं नहा के तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, देखने की दुनिया में क्या हो रहा है भाई। क्योंकि जब से मैं शोज़ करके वापस आई हूँ मैं घर में ही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और गोले की। लेकिन आज हमें जाना है, हमें जाके देखना है कि लोखंडवाला के गोलगप्पे वैसे ही हैं अभी भी टेस्ट में, कि बैक रोड के मोमोज वैसे ही हैं, क्या हर जगह ट्रैफिक है कि नहीं, क्या P5 इतना हॉर्न बज रहा है कि नहीं, वो मुझे देखना है। और गोले को भी दिखाना है कि गोले हम इसी दुनिया में हैं, घर में रहते इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कम हो जाएंगी चीज़ें, आके जाके देखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। आपने देखा वीडियो में क्या हाल कर रहे हैं दोनों, हकला रही हूँ मैं, क्या हाल कर रहे हैं हर्ष और गोला मेरा। इतने खिलौने घर में, ऑर्डर पे ऑर्डर करी जा रहा है। हर्ष कोई समझाओ कि अगर इतने खिलौने होते घर में तो बड़ा घर लेना चाहिए। सो चलो कोई बात नहीं, बड़ा घर भी ले लेंगे मेहनत करके काम करके। थैंक यू सो मच। हाँ जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो यार, और वीडियो देखो, इन्जॉय करो और लाइफ जियो अपनी। थैंक यू, बाय बाय।